आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। नवंबर का महीना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और मौसम में बदलाव तो हुआ ही, साथ ही दिल्ली NCR हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। यहाँ AQI रेड जोन में पहुंच गया है और ये पिछले साल या कई सालों से भी बदतर स्थिति है। इस बार कुछ फीट दूर देख पाना मुश्किल हो गया है। लोगों को आंखों में जलन, कुछ दूर चलने के बाद ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और एलर्जी इन्फेक्शन तो अलग ही है। प्रदूषण की समस्या कोई नई बात नहीं है, हर साल यही आलम रहता है, लेकिन सरकार के कई वादों के बाद भी ये समस्या कम होने के बजाय और गंभीर होती जा रही है। और इस साल तो हमारे सामने जो AQI के आंकड़े आ रहे हैं वो इसी की पुष्टि करते हैं। एक एक दिन इस जहरीली हवा में काटना मुश्किल हो गया है। अब करें क्या, शहर घर नौकरी छोड़कर कहीं जा तो सकते नहीं, पर हर कुछ दिन में बीमार पड़ना भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करें खुद का और अपनों का इस प्रदूषण में, आज के हेलो डॉक्टर में आपको बताएंगे। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर फराह एंगले जुड़ गई हैं। स्वागत है डॉक्टर फराह आपका आज तक रेडियो पर। बहुत महीनों बाद हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इंटरेक्शन में इनवाइट करने के लिए। जी, और जैसे कि आप मेरी आवाज से जान पा रही होंगे कि गला मेरा खराब है, और मतलब कोइंसिडेंस भी देखिए कि ये पोल्यूशन के चक्कर में मेरा गला खराब हुआ है। मैं एक दिन बाहर क्या निकली। आज हमारा टॉपिक भी यही है, एयर पोल्यूशन, जो कि पिछले कई दिनों से हमें 200 मीटर के आसपास की बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं। डॉक्टर फराह, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साल दर साल जो पोल्यूशन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसमें कैसे जो है वो आप अपनी केयर करती हैं, कैसे आप, क्योंकि आपको बाहर जाना होता है ऑफिस, डॉक्टर जो कि आप हैं और हॉस्पिटल में भी आपका होता होगा, तो कैसे आप मैनेज करती हैं इस पोल्यूशन, ये जो टाइम होता है पोल्यूशन का? एक्चुअली सर, मेरी भी तबीयत खराब है उसी कारण, पोल्यूशन के वजह से। और अभी इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम काफी दिनों से चल रही है, क्योंकि पोल्यूशन जो है उसका जो लेवल है वो बढ़ते ही जा रहा है। और अब तो दिवाली भी आने में है, अब उसमें और भी ज्यादा बढ़ेगा। उसके वजह से हम लोग एक्चुअली बाहर पोल्यूशन को भी एक्सपोज होते हैं और पेशेंट भी एक्सपोज होते हैं, उसके कारण हम लोग भी सफर करते हैं। मेरा भी आपके जैसा ही हाल है, अभी काफी दिन से सर्दी खांसी चल रही है। बट देन हम लोग का एक प्रोफेशनल हजार बोल के भी ले सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ रोल तो उसका पोल्यूशन का है उसमें। तो अब जो है पोल्यूशन बढ़ ही रहा है, उसके कई कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, वाइल्ड फायर है, नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, मतलब गाली आने में है। तो इन सब के वजह से पोल्यूशन बढ़ ही रहा है। अब उससे प्रिवेंट करने के लिए, एक तो जब हम घर से निकलते हैं, जैसा मैं अभी अपनी गाड़ी में ही आती हूँ, तो उसमें मैं अभी ग्लासेस ऊपर करके चलाती हूँ। फिर बाहर जब निकलती हूँ तो मास्क यूज करती हूँ मैं, N95 मास्क यूज करने से वो पार्टिकुलेट साइज छोटा भी रहेगा तो भी उससे हम काफी हद तक प्रिवेंटेड रह सकते हैं। और दूसरा है कि अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान देना चाहिए, इम्यूनिटी अपनी रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप बैलेंस डाइट लो, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन आर इम्यून ब्लॉक्स, दे हेल्प टू इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। तो उसके वजह से इन्फेक्शन आपको ज्यादा सीरियस यूजुअली नहीं होते हैं, अगर आप आपकी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते रहेंगे, उससे भी आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। तो खाने पीने का ध्यान रखो, बाहर निकलेंगे तब मास्क यूज करो बिकॉज पोल्यूशन इतना ज्यादा है, और अननेसेसरली मत निकलो बाहर, स्पेशली जब जो टाइम पे पोल्यूशन ज्यादा रहता है। अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज है वो भी अपना अपना गैस रिलीज करते हैं, उस टाइम पे तो ज्यादा फॉग और ज्यादा पोल्यूशन रहता है, एयर पूरी इम्प्योर रहती है। वो टाइम पे अननेसेसरली बाहर नहीं निकलना चाहिए, अनलेस बहुत जरूरी काम है आप अवॉइड टाइम पे बाहर निकलने के लिए।
जी। और डॉक्टर फरा, जैसे कि AQI जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन सब सलाह देते हैं कि आप अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर का प्रदूषण जो है वो अंदर ना आए, लेकिन वेंटिलेशन कैसे साथ में हम बढ़ाएंगे? नहीं तो आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ने AC यूज करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको क्रॉस वेंटिलेशन रहना चाहिए। अब यहाँ पे मुंबई में स्पेशली या मेट्रो सिटीज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्रॉस वेंटिलेशन के वजह से जो हवा आती है वो निकल जाती है फिर बाहर, तो उसके वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना हो सकता है वो करना चाहिए। अभी दूसरा तो कोई हवा भी जरूरी है, उसमें उसमें ऑक्सीजन है जो हमें जरूरी है जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज हवा भी नहीं आएंगी, पूरा बंद रहेंगे, AC भी नहीं रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो आपको कंपेंसेट करने के लिए तो आप क्रॉस वेंटिलेशन रखो या AC अगर लगा सकते तो AC का यूज करो। वायु प्रदूषण बढ़ने से जो अस्थमा है और एलर्जी है वो भी शुरू हो जाती है, और शहर में रहना कई लोगों की मजबूरी होती है, नौकरी तो हम छोड़ नहीं सकते और हमारा जो घर बार है वो नहीं छोड़ सकते, तो रहना तो यहाँ पर मजबूरी है इस मतलब जहरीली हवा के बीच। लेकिन ये जो अस्थमा और एलर्जी की शुरुआत इसी वायु प्रदूषण में बढ़ने शुरू हो जाती है, उसमें कौन से टिप्स जो है वो इन पेशेंट्स के लिए आप एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, अभी कैसा है जो पोल्यूशन रहता है उसमें एयर पोल्यूशन एक पोल्यूटेंट्स के वजह से होता है, तो पोल्यूटेंट्स बहुत सारे हैं। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और फिर दूसरी बात है कि जो ओजोन लेयर अपना डिप्लीट हो रहा है उसके वजह से भी एयर पोल्यूशन पड़ता है। और अभी जैसा आपने राइटली कहा है कि हमें कुछ दूसरा मजबूरी है हमारी यहाँ रहना बिकॉज जॉब्स है, डे टू डे लिविंग का वहां से ही आपका जरिया है, तो वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप मास्क यूज करो, हेल्थ अच्छी रखो, इम्यूनिटी मेंटेन करो, खाना पीना सही रखो, एक्टिविटी करते रहो। आप हेल्थ मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। बिकॉज पॉल्यूशन के वजह से सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपके बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक का हर सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स, दूसरे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कई तरह के कैंसर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे डेथ पोल्यूशन के वजह से हुए हैं, और ये डेथ एक्चुअली अब मैल न्यूट्रिशन, यानी हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो मैल न्यूट्रिशन से काफी डेथ्स होते हैं, अल्कोहल अब्यूज से होते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी से होते हैं, लेकिन जो एयर पोल्यूशन के वजह से डेथ्स होते हैं वो इन सबसे भी ज्यादा डेथ्स है। प्री मैच्योर डेथ्स होते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज डायबिटीज भी होता है एयर पोल्यूशन के वजह से, तो ये सब चीजों की वजह से, एंड ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब तक का कॉमन मैन का ये सोच था कि हवा खराब होने की वजह से सर्दी खांसी या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होते ही है बच्चों, मैंने अभी आपको बताई हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं एंड डेथ भी हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक नाक से मुंह से जाता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और उसके वजह से फिर सांस में तकलीफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, वीजिंग, अस्थमा का अटैक, ये सब होता है। तो उससे बचने के लिए आप जितना हो सके फिर मास्क यूज करो और इम्यूनिटी बराबर रखो। अगर कुछ हुआ है आपको तकलीफ तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, ज्यादा होने के बाद जाते हैं तो उतना ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है, अर्ली स्टेजेस में जाते हैं तो जल्दी आराम पड़ता है, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आजकल जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है डॉक्टर फरा, तो फिर क्या हमें करना चाहिए? जो लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं, और जिन्हें कभी ये प्रॉब्लम ना होती थी सांस लेने में दिक्कत, लेकिन प्रदूषण की वजह से अगर ये होनी शुरू हो चुकी है तो फिर मतलब इस पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं, अब सर्दी खांसी जुकाम है तो आप घर में रहो, तब आप खाना पीना सही रखो, स्टीम लो, गार्गल्स करो, आप एंटी हिस्टामिनिक ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अस्थमेटिक है, अगर आप ऑलरेडी इनहेलर्स पे है या नेबुलाइजेशन ले रहे हैं तो कभी कभी हमें डोज बढ़ाना पड़ता है,
कुछ कुछ पेशेंट तो ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं, जिसको हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, फिर स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है कुछ कुछ पेशेंट्स को, और कोई पेशेंट तो और ज्यादा सीरियस होके इवन वेंटिलेटर पे भी जाते हैं। बट ये सबके साथ होता ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पहली बार हो रहा है तो घर में आप ऐसे कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमेशा आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम दूसरे रीजन से भी हो सकता है, सांस की तकलीफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, कार्डियक प्रॉब्लम से, या दूसरे रीजन से भी हो सकता है। तो पहले तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि कोई और कारण से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको। अगर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉल्यूशन के वजह से हो रहा है समझ के बस घर में आप दवाइयां अपने मन से ले लो, लेकिन कारण कुछ और ही है, तो वो खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। ऑलरेडी अस्थमेटिक है तो आप इनहेलर ले रहे हैं तो डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो फिर अगेन फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करो आपके, और अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरी दवाइयां भी देंगे वो, लेकिन मेडिकल एडवाइस लो, अपने मन से मत करो, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगा तो मुश्किल आपको ही हो जाएगी। और कुछ डॉक्टर फरा जो इसमें आप एड ऑन करना चाहेंगे, समराइज करना चाहेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर? नहीं, यही है कि एयर पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, और उसमें कुछ कुछ जो रीजंस है जिसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है वो कुछ कुछ रीजंस अवॉइडेबल भी है। जैसे अगर आप कि अभी व्हीकल्स जो है, गाड़ियां इतने ज्यादा रोड पे दिखाई देती है, हर एक के पास आजकल व्हीकल है, तो हम ये कर सकते हैं कि कार पूलिंग कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल कार्स यूज कर सकते हैं, सीएनजी की गाड़ियां यूज कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा पोल्यूशन कम करने के लिए। अब दिवाली आने में है, क्रैकर्स के वजह से एयर पोल्यूशन और बढ़ जाता है, तो आजकल मैंने सुनी हूँ कि ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल है जिसमें स्ट्रॉन्शियम बेरियम है, जिसके वजह से 30% कम पोल्यूशन होता है। तो आप लोग स्विच ऑन करिए ग्रीन क्रैकर्स की तरफ, या जिससे पोल्यूशन होता है वैसे क्रैकर्स मत यूज करना। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो इंडस्ट्रीज को जहाँ पे हेविली पॉपुलेटेड एरिया वहां पे नहीं रखना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा, थोड़ा दूर रख सकते हैं इंडस्ट्रीज को। वो लोग भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन से तरीके केमिकल्स यूज करना चाहिए, कैसे उसको इंसिनरेट करना चाहिए, वो तो इंडस्ट्रियल वालों का भी है। तो सब लोग ने बैठ के इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट ने मिलके इसको सीरियसली लेके नॉर्म्स निर्धारण करना चाहिए, कौन से पार्टिकुलेट साइज मैटर खतरनाक है उसके नीचे रखना चाहिए, और कुछ जो गाइडलाइंस है वो आप सब लोग मिलके गवर्नमेंट ने इश्यू करना चाहिए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो उस तरह से हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, व्हीकुलर पॉल्यूशन एटलीस्ट वो तो हम कम कर सकते हैं। फिर घर में भी आप जो यूज करते हैं, अब घर में भी आप जो यूज करते हैं तो उसके बदले एयर क्लीनर यूज कर सकते हैं, चिमनीज यूज कर सकते हैं, तो घर में नहीं आएगा। अब गैस अप्लायंसेज अगर आप यूज करते हैं तो उसका वेंट घर के बाहर रहना चाहिए, नहीं घर के घर में नहीं फैलना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो सब चीजों का प्रॉपरली करना चाहिए तो उससे आपको फिर फायदा होगा और आप मिनिमाइज कर सकेंगे। एंड अबव ऑल ऑफ कोर्स आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, आप बैलेंस डाइट लो, आप फिजिकल एक्टिविटी करो, प्रोटीन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, पानी ठीक से पियो। तो वैसे जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, अदरवाइज आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएंगी, तो थोड़े से इश्यू से बढ़ जाती है प्रॉब्लम, फ्लेयर अप हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तो अपने ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का, एंड प्लस जो प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, उसे इम्प्लीमेंट सीरियसली करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरा हमसे बातचीत करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं प्रदूषण से बचने के जो उपाय डॉक्टर फरहा ने आपको बताए हैं वो आपके काम की होंगी, और आप जब भी घर से बाहर निकले या घर के अंदर भी हों तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है ये आपको अच्छे से पता होगा। तो आपसे अब अगले हफ्ते होगी मुलाकात। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना इस प्रदूषण में, और सुनते रहिए आज तक रेडियो। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है,
बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।